Hello guys, welcome to my channel Tech Poison, and today I'm gonna show you how to flash Flyme OS in Lenovo Zoom Z1. So guys, today I'm gonna show you how to flash Flyme OS in Lenovo. तो गाइस आज हम मैंने अभी इसमें स्टॉक फर्मवेयर फ्लैश किया हुआ है जो लेनोवो का जुग Z1 का है ऑफिशियल साइनोजन मोड 12. ओके, देख लीजिए साइनोजन मोड 12 है जुग Z1 में. तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम इसमें फ्लाइमी ओएस कैसे फ्लैश कर सकते हैं. फ्लाइमी ओएस एक कस्टम रोम है लेनोवो जुग Z1 के लिए, तो वो मैं आपको फ्लैश करना बताऊंगा. तो उससे पहले आपको क्या करना है, अपने मेक श्योर आपने अपने डिवाइस को कस्टम रिकवरी आपने फ्लैश की हुई है, जिस TWRP रिकवरी. अगर आपने TWRP रिकवरी फ्लैश नहीं की है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख के कस्टम रिकवरी फ्लैश कर सकते हैं. उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाके भी आप देख सकते हैं. ओके, तो मैं आपको बताता हूँ, रोम बताता हूँ मैं आपको पहले. तो देख लीजिए मेरे पास यहाँ पे है फ्लाइमी फॉर जुग Z1 के लिए. ओके, इसका वर्जन है 6.7.5.31 और बेटा वर्जन है ये. तो इसे मैं आपको फ्लैश करना बताऊंगा, तो इसकी लिंक डाउन की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप डाउन कर सकते हैं. तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने लेनोवो जुग Z1 के लिए काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है. अगर आपका फ़ोन सॉफ्टवेयर ब्रेक भी हो जाता है तो आप कैसे रिपेयर करना है, आपको कस्टम रोम कैसे फ्लैश करनी है, आपको लोग कैसे ब्रेक करना है, तो उसकी वीडियोज़ मैंने बनाई है. तो आप अगर आप लेनोवो जुग Z1 के यूज़र हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. तो गाइस, चलिए गाइस मैं शुरू करते हैं कैसे फ्लैश करनी है आपको रोम. तो आपको क्या करना है, कस्टम रोम कस्टम रिकवरी आपको फ्लैश कर लेनी है, TWRP रिकवरी. देन आफ्टर आपको फाइल्स डाउनलोड कर लेनी है आपको जी एप्स एंड फ्लाइमी ओएस. तो दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको. तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को रिकवरी मोड पे रिबूट करना है. तो उसके लिए आपको बताता हूँ आपको क्या करना है, पावर को प्रेस के रखना है और आपको यहाँ पे रिबूट पे क्लिक करना है. वो यहाँ पे ऑप्शन है रिकवरी, तो राइट आप रिकवरी मोड पे जा सकते हो, रिकवरी देन ओके. देखिए ये रिबूट हो रहा है, रिकवरी मोड पे ऑन हो जाएगा डिवाइस ये. देख लीजिए मैंने 3.0.2 रिकवरी फ्लैश की हुई है इसमें, तो आपको भी यही फ्लैश की रखनी है क्योंकि अदर रिकवरी वर्जन से ये फ्लैश नहीं होगी रोम. तो गाइस, जो भी जब भी हम न्यू रोम फ्लैश करते हैं डिवाइस में, तो उससे पहले हमें जो कंट्रोल है उसे वाइप करना होता है. तो आपको वाइप पे क्लिक करना है, एडवांस वाइप पे क्लिक करना है, डाल्विक कैश कैच सिस्टम एंड डेटा पे क्लिक करना है. फोर ऑप्शंस आपको ऊपर के चेक करने हैं और नीचे के दो ऑप्शन आपको डिसेबल रहने देने हैं. ओके, देन आपको स्वाइप टू वाइप करना है. ओके, देख लीजिए सक्सेसफुल वाइप कंप्लीट सक्सेसफुल. देन आपको अगेन होम पेज पर आना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है आपको. ओके, यहाँ पे हमें फाइल लोकेशन पे जाना है, जुग Z1 और यहाँ पे है फ्लाइमी ओएस फ्लाइमी जुग Z1 के लिए. ओके, मैंने इस पर क्लिक कर दिया है. और देन आपको क्या करना है, स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश.
तब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती है, आपको वेट करना है इस प्रोसेसिंग को, आपको स्किप नहीं करना है, बाइंड अप नहीं करना है इस प्रोसेस को। तो मेक श्योर आपको कंटिन्यू रहने देना है यहाँ पे, जब तक यहाँ पे सक्सेसफुली फ्लैश ना हो जाए, इंस्टॉल ना हो जाए। OSI कंप्लीट हो चुका है, देख लीजिए, सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुकी है। मैंने इसको स्किप कर दिया था थोड़ा, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। ओके, तो इसे कंफर्म सक्सेसफुली फ्लैश होने के बाद में आपको क्या करना है, आपको वाइप केस इन डेलवे पे क्लिक करना है। ओके, देन आपको क्या करना है, कंफर्म एक्शन करना है आपको, स्वाइप टू वाइप करना है। ओके, वाइपिंग हो चुकी है, देन आपको रिबूट सिस्टम करना है। तो रिबूट सिस्टम करने से पहले आपको क्या करना है, ओपन गैप्स आपको डाउन करनी है, जी एप्स की फाइल, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो उससे क्या होगा, आप गूगल के एप्लीकेशन रन कर सकोगे। तो मैं गूगल एप्लीकेशन अभी रन नहीं करना चाहता हूँ, तो इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। उसकी प्रोसेस भी सेम होगी, आपको क्या करना है, इंस्टॉल पे जाना है, यहाँ पे आपकी जी एप्स की फाइल होगी, तो उसे फ्लैश करना है राइट, आपको एज लाइक आपने जैसे फ्लाई में ओएस फ्लैश किया था। ओके, देन आपको क्या करना है, रिबूट करना है, सिस्टम रिबूट करना है। ओके, तो ये देख लीजिए, ऑन हो चुका है आपका। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है ये इंटरफेसेस का, तो यहाँ पे मैं लैंग्वेज चूज़ कर लेता हूँ इंग्लिश, इंग्लिश इंडिया। ओके, देन कंटिन्यू, इंडिया कंटिन्यू, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एग्री कर दीजिए इसे। तो मैं वाईफाई को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, स्किप स्किप। वैसे तो यहाँ पे आपको थीम चूज़ करनी है, आपको जो भी आप थीम चूज़ करना चाहते हैं, मैं स्टैंडर्ड ही रहने देता हूँ उसे। नेक्स्ट, गेट स्टार्टेड। ओके, देख लीजिए, इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है, काफ़ी अच्छा इंटरफेस है, और इसके जो मेन्यूज के जो आइकन्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। देख लीजिए, और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा वर्क करता है या नहीं, देख लेते हैं हम। ओके, देख लीजिए, कैमरा भी वर्क कर रहा है इसका प्रॉपर। देख लीजिए, बस। तो मैं आपको इसकी सेटिंग ओपन करके दिखाता हूँ, सेटिंग की, इसका मेन्यू बार है ये। अबाउट फोन, देख लीजिए, मॉडल नंबर, जो चेट फोन, ई एम आई, अगर आपके सब वर्क कर रही है आपकी कोई फेस।
देख लीजिए, आपका एंड्रॉयड वर्जन है 6.0.1। नोटिफिकेशन बार को आप इसमें एडिट कुछ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। काफ़ी अच्छी रोम है, इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा है इसका, आइकन्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। कॉल बॉक्स नहीं दिखा मुझे वैसे तो इसमें, और वैसे चलाते चलाते कस्टमर रूम्स में तो कुछ भी बग्स आ ही सकते हैं, तो मैं उसकी भी आपको गारंटी नहीं दे सकता। वैसे मुझे, मैंने चलाई है रोम ये 2-3 दिन चलाई है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे कोई मेजर बग्स नहीं दिखे मुझे इसमें। बैटरी आपकी अच्छी सही वर्क करती है आपकी, और कोई इंटरफेस भी काफ़ी अच्छे से देखने को मिलेगा आपको। और जो चाइनीज़ के करेक्टर्स हैं, एप्लीकेशन वगैरह हैं, इन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते तो आपको आपको एक बेटा सुपर एसयू की फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा मैं, तो उसे TWRP रिकवरीज आपको फ्लैश करके जो आपका फ़ोन रूट हो जाएगा आपको, देन आपको जो सिस्टम ऐप अनइंस्टॉल आ रहा है, उस अनइंस्टॉल आता है उसे आप अनइंस्टॉल कर लेना एप्लीकेशन को। वैसे तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, रोम भी डैम श्योर अच्छी ही लगी होगी, तो आप फ्लैश करके देखोगे इसको, देख लीजिए इसमें थीम्स का ऑप्शन भी है। मैं इसमें भी नेट नहीं चला रहा हूँ तो ये नेट की बात मांग रहा है अभी, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं अभी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।